साथियों, बैंकिंग सेक्टर के जो साथी यहां है उनके सहयोग से पिछले 8 सालों में देश ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक नई वेव देखी है। यहां तक कि गरीब से गरीब भी आज फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ रहा है। आज जब हमारी एक बड़ी आबादी फाइनेंस से जुड़ गई है तो ये समय की मांग है कि सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर कदम आगे बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर आज बेसिक बैंकिंग से ऊपर उठकर फाइनेंशियल लिटरेसी के क्षेत्र में फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बड़ा स्कोप है। आज भारत में एक बड़ा एस्पिरेशनल क्लास है जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर उनके लिए ऐसे फाइनेंशियल कोर्सेज हो जो उन्हें अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके फ्यूचर्स इसके बारे में सिखा सके तो इससे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। एक उदाहरण म्यूचुअल फंड्स का भी है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के मुताबिक 2014 में भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 10 लाख करोड़ थी। इन 8 सालों में जून 2022 तक ये 250% बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गई है। यानी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इसके लिए तैयार हैं। हमें चाहिए कि हम उनके लिए एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन इंश्योर करें। मैं तो कहूंगा कि हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को नॉन फाइनेंस कॉलेज के साथ टाइप करना चाहिए, युवाओं को एजुकेट करना चाहिए। आखिरकार ये युवा ही हैं जो आने वाले समय में अर्नर्स और इन्वेस्टर्स बनेंगे। इन कोर्सेज में लोगों का भरोसा पैदा हो इसके लिए उन्हें नॉन फॉर प्रॉफिट मोड पर चलाया जाना चाहिए। गिफ्ट सिटी भी प्राइवेट प्लेयर्स के कामकाज को देखकर इसके लिए एक अच्छा रोड मैप और ग्राउंड रूल्स तैयार करने पर काम कर सकता है। इस साल बजट में गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लेकर जो घोषणा हुई है उससे भी इसे मदद मिलेगी।